कनावती कनावती जली कार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। अभी आज है सातवां दिन नवरात्रि का, तो आज है माँ कालरात्रि का दिन, काली देवी का। तो आज का ये जो व्लॉग होगा आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो अभी हो चुकी है सुबह की शुरुआत, अम्मा देखिए भी सो रही हैं। तो अभी मम्मी से बोल दिया था कि इंडक्शन में पानी गर्म कर दो, क्योंकि सुबह सुबह नहाने में ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो अभी थोड़ा सा पानी गर्म करके रख लिया है नहाने के लिए, और थोड़ा सा पीने के लिए भी रख लिया है। सुबह उठकर सब लोग गर्म पानी पियेंगे। ऐसे जब धूप हो जाती है ना तब ठंड नहीं लगती, लेकिन सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। तो अभी झाड़ू पोछा सब कुछ अंदर हो गया है, पूरा सफाई, और उसके बाद फिर मैंने बाहर भी झाड़ू लगा लिया है। और देखने में तो ऐसा लगता है बिल्कुल भी गंदा नहीं है, लेकिन जब झाड़ू लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सब कुछ निकल जाता है। तो अभी अम्मा भी उठ चुकी हैं, अम्मा थोड़ा सा लेट से उठती है, बाकी सब लोग उठ जाते हैं। और देखिए धूप भी निकल आई है और सारे काम हो चुके हैं, बस ये जो किचन के कपड़े वगैरह हैं उनको भी डाल देते हैं, उसके बाद फिर हम नहाएंगे। और ये देखिए अम्मा लौकी काट रही है, आज हम लौकी की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाने वाले हैं। और जब तक हम नहा रहे थे तब तक पापा ने पूजा कर लिया है, तो पूजा करके भी पापा उठे ना, दीपक देखिए जल रहा है, और मम्मी ने उधर आटा लगा करके रख देंगी। पूजा करने के बाद में फिर हम नाश्ता तैयार करेंगे, पहले नहीं पीते हैं बाद में फिर नाश्ता करते हैं, और साथ में चाय भी पीते हैं। भगावत रहो। आई छी ते आई अब अच्छा अच्छा तो कुछ नहीं आई छी। तुम डंडा लेके बैठो। तो इनका बियाह का मन कैसे हुई? अच्छा तो इनका बियाह भी ना हुई, जब गुटुरी मुटुरी सब खाए बहाए आई सो बात का आओ का पटमर फिर बाबा को बियाह पे। तो पापा बोल रहे थे कि पराठे ना बनाओ, आज हम रोटी ही खा लेंगे, तो यही वाली लौकी की सब्जी बना लेंगे और रोटी बना देंगे, आज नहीं मन होगा खाने का पराठे। तो आज ना ये जो सब्जी बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, अगर किसी को लौकी की सब्जी पसंद नहीं है ना तो ये सब्जी खाओगे आप तो ज़रूर बनाना चाहोगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा बेसन लिया हुआ है, आधा कटोरी जितना था, और बस इसको लेकर इसमें ना तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस ऐसे ही हल्का इसको भून लेना है। तो अगर दाल वगैरह के साथ में ऐसे सब्जी बना लेते हैं तो सब लोग खा लेते हैं, लेकिन अगर हम केवल लौकी की सब्जी बनाएंगे ना तो हमारे यहाँ भी सबको बहुत कम पसंद आती है। तो इस तरीके से बेसन वगैरह डाल करके हम बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैंने चॉपर में कर लिया इनको, टमाटर हरी मिर्च अदरक बस यही लेना है। और इनको आज क्योंकि नवरात्रों में लहसुन प्याज तो खाया नहीं जा रहा है और सभी के यहाँ नहीं खाया जाता होगा, और ये जो चॉपर है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, बस केवल 100 रुपीज़ में मुझे मिला था मेले से जब हम लेकर के आए थे, और बहुत ही अच्छा निकला है, क्योंकि ज़्यादा क्योंकि मेले में अच्छी चीज़ें नहीं मिलती ना, लेकिन ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो इसमें मैंने जीरा वगैरह डाल करके इसको डाल दिया है, और बस वही सारे मसाले अपने जितने भी हैं ना जो भी हम डालते हैं डेली बस वही डाल देना है। और मीठी का खाना मैंने पहले ही बना दिया था, तो पापा गए हैं मीठी को खिला दे रहे हैं, और भाई चारा वगैरह गाय को कर देता है, क्योंकि पापा को जल्दी नहा करके पाठ करना रहता है, तो पापा पाठ कर लेते हैं और भाई के बाद में गाय को चारा वगैरह जो भी करना होता है वो भाई करता है। और यहाँ पर ये देखिए हमारा जो मसाला था अच्छा भुन गया है, और उसके बाद ये बेसन, तो ये है सीक्रेट मसाला, ये देखिए जो तैयार हो चुका है, जो हमारी लौकी की सब्जी को ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। तो इस तरीके से डाल दीजिए, और अगर आपको रसा वाली खाना है ना तो रसा डालिए, पानी डालिए, और अगर नहीं खाना है तो ना डालिए। अच्छा काम मिस्त्रीगिरी का, 5 रुपए ला। हां मेहनताना देखो, अब जाओ निकलो। मेहनताना मेहनताना पूरे दिन बस खाली एक ठेंग किलिया लगा तो कहूं, हां मैं तो सबे को लगा ली। अब लगवा एक ठेंग किलिया गाड़े तो बड़े ध्यान से देख ही रहे हैं। तो सबका ही आज रोटी ही खाने का मन है, वैसे पराठे बनाते हैं लेकिन आज सब लोग रोटी ही खाएंगे, तो रोटी बना देंगे। और मम्मी बोल रही थी बना देते हैं रोटी, लेकिन मम्मी से कहा कि वो गेहूं निकालने थे ना, तो मम्मी गेहूं निकाल रही हैं, तब तक हमने रोटियां बना लिया है बस नाश्ते भर के लिए, बाकी की बची हुई मम्मी बना लेंगी। और ये देखिए भाई को और पापा को दे दिए, अम्मा दवाई खा रही हैं, दवाई खाने के बाद में ही फिर खाती हैं, शुगर की दवाई पहले खाते हैं ना तो वही खा रही थी, और उसके बाद में फिर जो आटा बचा हुआ था खाने का तो वो मम्मी ने रोटियां थोड़ी सी सेंक करके रख दी हैं, दोपहर तक खाएंगे सब लोग। तो ये देखिए लौकी की सब्ज़ी है, और थोड़ी सी रात वाली सब्जी रखी हुई थी, चावल है, नींबू है, मिर्ची है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और सब लोग खाना वगैरह खाने के बाद में फिर मम्मी ने बाहर गेहूँ निकाल लिया है, तो इनको साफ़ करके फिर दिया जाएगा आटा बनने के लिए। और हम यहाँ पर थोड़ा सा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, खाना वगैरह खाने के बाद में फिर शाम को भी, यहाँ पर ना उतना ज़्यादा धूप नहीं रहती है तो सब लोग यहीं पर बैठे हैं। और अब तो वैसे भी ठंडक पड़ने लगी ना, तो पंखा वगैरह कुछ भी नहीं चलता है, और रात में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है।
रिया बता देती है, कहीं चावल खत्म, कहीं आटा खत्म, कहीं ये खत्म। और ये देखिए आज ये चूहा महाराज जो है फंस चुके हैं, और देखो कैसे शरारत भरी आंखों से देख रहा है। देखो ये देखो बहुत ही मुश्किल से फंसी है चूहा ना, मतलब इतना ज्यादा इसने परेशान किया है। और ये है दूसरे दिन की क्लिप। सब लोग काम कर रहे हैं, और आज मूली के पत्ते की सब्जी बनी हुई है और साथ में लौकी की सब्जी है, तो धोपापू अभी खाना खा रही है। ये देखो सब लोग धूप में बैठे हैं, ये अम्मा यहाँ बैठी धूप में, इधर देखो मम्मी बैठी हैं। अम्मा ठंडी लग रही का? गठरी बना के दी न, अब आज चाउर आ गए, चाउर नहीं चाउर पछवाड़े जा रहे हैं। घर गृहस्थी चल रही है सब। हाँ रोज एक सामान खत्म रहा थी गृहस्थी में रोज। अब कल कौन कौन से त्योहार है? अब कल ये अठौरी चढ़ी है, अष्टमी है, कल सबका व्रत है। अम्मा सब पूरा घर व्रत रहेगा। हाँ तबीयत तो नहीं ठीक रहा थी अम्मा, काम ऊपर से है, आई दिन भर मोबाइल तो नहीं छुट्टी पाती। यूं तो काम है हुआ था। अब का दिखा देती है कि खाना बनाई थे, वही के बाद खाना मूंद के धर देती हम ही को बनावे को पर और नाम अपन लगाती है कि हम बनाए खाना और सब मोबाइल में टैप कर लेती, वही के बाद धर आती पर रात मूंद के कि ले बनाओ जाए, वो नहीं दिखाती को का बहुत चालाक है। वही के बाद हम बनावे नहीं लगी थे अपन, वही के बाद फिर वीडियो बनावे लगती, वही के बाद फिर मम्मी खाना रोटी बनावे लगती। हाँ चुप्पे मुंह के धरी होती, सबको जानो कि पिया खाना बना रहे, अब प्रिया जाओ ने चुप्पे मुंह के धरी होती। ओले मीठी, ओले ओले ओले। तो कल है अष्टमी, तो उसी की सारी चीज़ें पापा लेकर के आए हैं, सब लोग व्रत रहेंगे, तो ये केला वगैरह लेकर के आए हैं सब लोग चढ़ाएंगे, और ये सब्जी लेकर के आ गए हैं। तो ये है सोयाबीन, छोटी वाली जो सोया बड़ी होती है ना, वही है, सब सामान अभी मैंने रख दिया है। और इधर मम्मी अब चावल साफ कर रही है। तो प्रिया कह रही है कि सनीचर का भैंसी नहीं नाखून काटती, तो क्या किसी दिन ऐसा होता है कि भैंसी नाखून काटती है सनीचर के अलावा? हमको कमेंट करके बताना। अम्मा बताई है कि भैंसी नहीं नाखून कटती है शनिवार का, कमेंट करके ये बात जरूर बताना आप लोगों से। बोलती ताल भैया। अच्छा अम्मा काटती रही नाखून, अब तो काटती रहो ना वही दिन कटती भैंसी। तो अभी फूल काट के रख लेते हैं, क्योंकि शाम को तहरी बनाएंगे, तो सारी सब्जी वगैरह डाल के बनाएंगे, तो अभी ना फूल में कीड़ा वगैरह देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे अम्मा गाना गा रही हैं। कौन गाना है अम्मा? सुना अम्मा। तो शाम को तहरी बनाना है, तो चावल वगैरह मैंने बिन करके हमने रख दिया है, और उसके बाद फिर ये फूल जो गोभी है उसको काट करके रख दिया। मीठी आज ऊपर छत में गई थी घूमी करने। हाँ छत में ऊपर कच्चे चावल खाए जा रहे हैं देखो। तो उधर हम बर्तन धुल रहे थे और मम्मी इधर तुलसी माता में दीपक जला रही हैं, मैंने कहा आज बर्तन मैं धुल दे रही हूँ। और इधर मीठी को देखो मम्मी को कैसे देख रही हो, जब भी मम्मी उसके पास जाते हैं ना उसको यही लगता है कि बस खाने के लिए आया होगा कुछ। और अभी तो कार्तिक पूर्णिमा भी चालू होने वाली है, कार्तिक से फिर तुलसी माता की और ज़्यादा पूजा होती है, सब लोग दीपक जलाते हैं और सुबह जल्दी भी नहाते हैं। तो भी बन चुकी है शाम की चाय और साथ में है नमकीन, ये देखिए चाय नमकीन बन गई है शाम की चाय। आइए सब लोग।
पिपेऊ अम्मा चाय पी चुकी है। बढ़िया है करवा के उका नमकीन था तो चाय पा है गोई तो रे मीठी छोटी थी अम्मा चाय मीठी नहीं रहा था। और कल सब लोग व्रत है ना तो पापा भी दूध लेकर के आ गए हैं तो ये मम्मी ने थोड़ा सा दूध मंगवाया हुआ था तो भी पापा ले आए। आज अम्मा हमारा वीडियो देख रही हैं दूसरे वाले फोन में। ये देखिए अम्मा कैसा लग रहा है तो आए तो इधर अब पापा पूजा आरती कर रहे हैं और हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल सब्जी वब्जी डाल करके बहुत कम चावल डालेंगे केवल ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी हम डालेंगे अपनी तहरी में। तो ये देखिए वेज तहरी है हमारी। इसमें मैंने शिमला मिर्च सोयाबीन मटर आलू और गोभी डाली थी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी हुई थी। ऊपर से बढ़िया डाल लिया है घी तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना और शेयर भी करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और लीजिए तहरी खाइए और बताइए कैसी है। सब लोग देखिए खा रहे हैं और हम लोग हाथ से ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं मेरा तो स्पेशली मैं तो ज़्यादा करके हाथ से ही खाती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइज़।